नमस्कार दोस्तों, जॉब वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री दक्ष योजना 2022 आई हुई है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री है, भारत सरकार के तरफ से ये योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री के नाम से। योजना के तहत जो है सरकार के लोगों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें कुछ पैसे भी प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण के साथ साथ आपको पैसे भी दिए जाएंगे। योजना के तहत अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया जा रहा है यहाँ कि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जो प्रशिक्षण संस्थान है, प्रशिक्षुओं को वेतन और स्वरोजगार की सहायता और सुविधा प्रदान की जाती है। तो योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को इससे देखिए, आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा आपके लिए बना रहा हूँ और बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे निवेदन है कि जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फर्स्ट बार अगर देख रहे हैं वीडियो को। चलिए, अगर ऑनलाइन के माध्यम से क्या करना, आवेदन करना होगा इसको नहीं, और आगे की वीडियो में बताऊंगा पूरे विस्तार से कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। उसमें बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पीछे वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूह को निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा। इस योजना के तहत चार प्रकार के अलग अलग प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जैसे अपस्किलिंग है, रीस्किलिंग है, अल्पकालिक प्रशिक्षण है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम है और दीर्घकालिक कार्यक्रम है। वे सभी प्रशिक्षित जिनको उपस्थिति 80% या उससे अधिक होगी, उन्हें 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का राशि स्टाइपेंड के रूप में या वेतन के रूप में आपको मुआवजे दिए जाएंगे। बहुत सारे फायदे हैं इसमें। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम तहत जो कारीगर हैं, सफाई कर्मचारी हैं आदि को वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, बुनाई, बढ़ाईगिरी, घरेलू काम आदि में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस कार्यक्रम 32 से 80 घंटे का होगा। प्रशिक्षण की लागत जो सामान्यतः जो लागत मानदंडों की सीमा तक ही सीमित होगी। सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को 2,500 रुपये वेतन हानि होने के मुआवजे पर दे जाएगा। यानी कि प्रशिक्षण के दौरान आप जो नहीं मतलब कि काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको वेतन नहीं मिल पा रहा है, उसी के एवज में 2,500 रुपये आपको वेतन दिया जा रहा है इसे मुआवजे के तौर पर। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय विकास व्यावसायिक मानक के अनुसार विभिन्न नौकरियों की भूमिका होगी इसमें। आपको प्रशिक्षण के बाद भी आपको मतलब कि प्रशिक्षण के उपरांत आपको वेतन भी मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद आपको रोजगार करने के लिए, आपको स्वरोजगार करने के लिए कुछ आपको अवसर भी दिए जाएंगे इसमें। और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंतर्गत जो है वित्तीय डिजिटल साक्षरता के साथ साथ वेतन स्वरोजगार के अवसरों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे, जैसे दर्जी प्रशिक्षण है, फर्नीचर निर्माण है, खाद प्रशिक्षण इत्यादि है। यह प्रशिक्षण जो है 200 से 600 घंटे का, यानी कि 6 महीने का होगा। प्रशिक्षण की लागत जो है समानता मानदंडों के तक ही सीमित होगी, जैसे कि गैर आवासीय प्रशिक्षण के मामले में प्रशिक्षकों को स्टाइपेंड देने के लिए। अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति जो है और अन्य पिछड़े वर्ग के उन युवाओं के लिए जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसकी सोच उद्यमशील है, यानी कि वहीं इसका लाभ ले सकते हैं जो अनुसूचित जाति को या अन्य पिछड़े वर्ग के युवा होंगे जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे। यह कार्यक्रम की अवधि 80 से 90 घंटों की होगी या 10 से 15 दिन तक की होगी। प्रशिक्षण के लिए अमता जो है लागत जो समानता मानदंडों की सीमा तक ही सीमित होगी। इस कार्यक्रम का व्यापार असर जो है अवसर मार्गदर्शन, बाजार सर्वेक्षण, कार्यशील पूंजी, उसके प्रबंधन जैसे शस्त्र शामिल होंगे। जो दीर्घकालिक कार्यक्रम है, वो दीर्घकालिक कार्यक्रम में जैसे बाजार है कि मतलब बताया जा रहा है कि जिनकी बाजार में अच्छी मांग है, जैसे NSQF, NCBT, AICTC और MSME ETC के अंतर्गत जो उत्पादन प्रौद्योगिकी है, प्लास्टिक प्रसंस्करण है, परिधान प्रौद्योगिकी है, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र है आदि क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि 5 महीने या उससे अधिक या फिर 1 वर्ष यानी कि 1,000 घंटे की होगी। प्रशिक्षण जो लागत है समानता मानदंडों की सीमा से सीमित होगी। गैर आवासीय प्रशिक्षण के मामले में प्रशिक्षकों को स्टाइपेंड देने के लिए। अलावा यहाँ देख सकते हैं मतलब आगे के जो मिलने वाला लाभ है इसमें क्या क्या, आप अगर सफलतापूर्वक 80% आपकी उपस्थिति हो जाती है तो वेतन और स्वरोजगार की सहायता सुविधा प्रदान किया जाएगा। और किन किन को मिल सकता है इस योजना का लाभ देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के नागरिक होंगे, अनुसूचित जाति के नागरिक होंगे, अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक हों, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा, डी अधिसूचित घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति के रूप में है, सफाई कर्मचारी या उनके आश्रित के रूप में है। यहाँ देखिए, इस योजना के लाभ लेने की योग्यता क्या है। आवेदक भारत का स्थायी होना चाहिए, लाभार्थी 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी, डी असूचित घुमंतु अर्ध घुमंतु आदि होना चाहिए। यदि आवेदन अन्य पिछड़े वर्ग के श्रेणी से आते हैं तो आवेदक के जो पारिवारिक वार्षिक आय है, यानी कि 1 साल में जो आपकी आय है
वह 3 लाख रुपए से ज़्यादा फिर उससे कम होना चाहिए, 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या उसके नीचे होना चाहिए। आवेदक अनपिछड़ा कहता है आवेदक की वार्षिक 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये और यह बताया जा रहा है कि जो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, व्यवसाय प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा। कैसे आपको अप्लाई करना है आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि आपको बताया जाए, सबसे पहले आपको होम पेज पर क्लिक करना होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो, नया पेज ओपन होगा, ओटीपी देके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए आगे के वीडियो में आपको बताते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन है, तो कैंडिडेट आप हैं तो कैंडिडेट आप अपना चूज कैटेगरी करेंगे, जो उसका कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप करेंगे, अपना नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यानी कि जिला, और एड्रेस विथ पिन कोड डालेंगे आप अपना, लोकेशन डालेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, और एक फ़ोटो अपलोड करेंगे जो 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और कोई बैंक अकाउंट आपका सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद कृपया फिर से आपको आधार से लिंक है या नहीं यह भी प्रविष्ट करना पड़ेगा, उसका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, सेंड ओटीपी करते हुए ओटीपी आएगा और नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे, और इसके बाद आपका आगे जो होगा फॉर्म, उसके बाद अप्लाई, पूरा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आपको ट्रेनिंग डिटेल, कौन सा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बैंक डिटेल होगा, उसके बाद आपको फिनिश हो जाएगा, उसके बाद अपना प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो इसी तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपका यहाँ इंटर आईडी आएगा और पासवर्ड आएगा, उसके लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड अगर कर भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड जैसे करेंगे, यहाँ पे आपका यूजर आईडी पूछा जाएगा और उसके बाद कैप्चर डालेंगे, सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, और लॉगिन अगर नहीं हो पाता है तो, अगर पहली बार हैं तो आप साइन अप कैंडिडेट करेंगे, कैंडिडेट कैसे के लिए यहाँ को कैटेगरी आप अपना चूज कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी है पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, कौन सा जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ सेलेक्ट, जैसे ही आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए बिहार सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पूरा स्टेट सिटी आ जाएगा। तो इसी तरह का चैनल पर आपको मतलब अपडेट मिलता रहता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।